देखो हल्का सा हरे कलर में, अब देखो कौन सा कलर निकलता है। सारे कलर बदल ला मन ले। पिंक कलर हो गया, रानी कलर है। हाँ बताओ। वीडियो बना। हाँ ये देखो, एक मिनट के ये देखो कितना अच्छा लग रहा मंदिर इस समय, कलर बदल रहा कितना अच्छा लग रहा। यहाँ मंदिर रात में भैया कलर बदलता। तो जैसा कि आप लोगों को देख के लग गया होगा कि इस समय हम लोग फोर व्हीलर के अंदर बैठे हैं और हम हैं, ये देखो पीछे रचित है और ये देखो रचित की मम्मी है। हम लोग घूमने जा रहे हैं। तो आज हम लोग जो है घूमने जा रहे हैं और ये देखो गाड़ी चलाने सत्यम भाई हैं, ये भी हमारे फ्रेंड हैं, तो इन्हीं की गाड़ी है और ये चला रहे हैं अपना मस्ती से और हम लोग जो है बैठे हैं। तो घूमने जा रहे हैं तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लिया जाए। तो अभी जब हम लोग पहुंचेंगे तो फिर वहां आपको दिखाएंगे कहां कहां जा रहे हैं, कहां कहां नहीं जा रहे हैं। मनगढ़ जा रहे हैं घूमने हम लोग, और वहीं चल के आप लोगों को दिखाते हैं। हम लोग आ गए हैं मनगढ़ में, देखो दर्शन करते सत्य माँ के आगे जा रहे हैं। पूरा मनगढ़ हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने, आप लोगों को भी दिखाते हैं। वो देखो उधर झांकियां बनी हैं, वो झांकियां बनी हैं, ये शाम को खुलेंगी, शाम को दिखाएंगे। अभी धूप है। मनगढ़ मंदिर आ गए हम लोग, ये देखो मंदिर है इधर। अब हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं, मंदिर ना यहाँ पर बहुत सारे हैं, उधर जा रहे हैं। अच्छे अच्छे खुशबू देखो, ये है कृपालु महाराज इन्हीं के उससे बना है, इन्हीं का बनाया वो मंदिर। तो मंदिर के ऊपर खड़े हैं, मंदिर के परिसर में खड़े हैं, मंदिर भी खुल गया है, अब हम लोग दर्शन भी करने जाएंगे। वो मंदिर है ना जो पीछे दिख रहा, मंदिर अभी खुल गया है। सत्यम ये मनगढ़ मंदिर है, यहाँ पर रचित और रचित की मम्मी एंजॉय ले रहे हैं, यहाँ सब सेल्फी पॉइंट है, यहाँ सब लोग सेल्फी ले रहे हैं। आओ रचित, ये देखो कितना अच्छा नज़ारा है मंदिर का। चलो अब किधर चल रहे हैं तुम लोग, अब उधर चल रहे हैं लोग। यहाँ पर हम लोग मंदिर के अंदर है ना, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है, देखो आप लोगों को बहुत सारे मंदिर दिखाई देंगे। बहुत सारे मंदिर है, मंदिर है यहाँ, ये मंदिर है और हम सब लोग साथ में हैं, घूम रहे हैं, यहाँ स्वर्ग की अनुभूति हो रही है। देखो ये भी एक झांकी है, बहुत अच्छी झांकी है, देखो कितना बढ़िया चल रहा है गोल गोल। ये सत्संग की झांकी है, कृपालु महाराज की यहाँ जो है सत्संग हुआ करता था, और ये बिल्कुल झूमर है अच्छे से चल रहा है। अब हम लोग बाहर चल रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं, देखो उधर आप बोलते जो सामने मंदिर दिख रहा है उधर जा रहे हैं। रचित रचित के पापा आगे आगे जा रहे हैं और पीछे मोबाइल पकड़े शूट कर रहे हैं, और ये सत्यम है। आ
और रजत के पापा ना सत्यम के मोबाइल में शूट कर रहे हैं, देखो सत्यम का फोटो डाल रहे हैं। और यहाँ पे देखो ना इतनी भीड़ ना आप लोगों को दिखा सकते हैं, देखो कितनी भीड़ है, तो बहुत भीड़ है बहुत। अभी ना शाम के समय में और भी अच्छा लगेगा, यहाँ लाइट बहुत लगी है, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर। रचित तो फुल एंजॉय ले रहे हैं यहाँ पर, देखो आके इनको बहुत मजा आ रहा है। और रचित रचित के पापा शूट कर रहे हैं सत्यम का फोटो, देखो। और मंदिर यहाँ से ना बहुत बड़ा है, बहुत दूर तक बना हुआ है, अभी आप लोगों को हम और जाके दिखाते हैं। यहाँ पर क्या लिखा, कृपालु वंदे जगत गुरु भक्ति मंदिर, यह है यहाँ स्वर्ग की अनुभूति होती है भैया। पहली बार हमने अपने जीवन में ऐसा मंदिर देखा, इतना खूबसूरत मंदिर है ना। अभी शाम को जो है और बढ़िया, वहाँ देखो झांकी बनी है, शाम को और अच्छा लगेगा। तो हम लोगों ने बहुत घूमा, अब यहाँ पर घूम चुके हैं, अभी इधर उधर जा रहे हैं। यहाँ पर देखो कैंटीन की व्यवस्था, इधर कैंटीन भी है और इधर कैंटीन है, कैंटीन में नाश्ता भी हो सकता है। और इधर ही देखो मंदिर के प्रांगण में हम लोग खड़े हैं, ये देखो पूरा चारों तरफ मंदिर के प्रांगण है। और मंदिर के अंदर जो है भैया कैमरा अलाउ नहीं है, तो मोबाइल से वीडियो मंदिर के अंदर कैमरा नहीं अलाउ है, तो मंदिर के अंदर हम लोग वीडियो नहीं बना सके। और इधर देख के बात करते रहो, और मंदिर के बाहर बाहर जितना है हम लोग हमने आप लोगों को दिखाया, अंदर नहीं। यहाँ जो है छोटे छोटे साउंड लगे हैं और सब जगह है साउंड लगे हैं पूरे प्रांगण में, और राधे राधे की ध्वनि जो है सब, आप कहीं भी जाएंगे पूरे प्रांगण में तो राधे राधे की ध्वनि सुनाई देगी। और बहुत बड़ा प्रांगण है पूरा, तो हम लोग घूम भी नहीं सकते हैं, यहाँ सिर्फ राधे राधे की ध्वनि आधे तक सुनाई दे रही। तो ये मंदिर है, मंदिर के अंदर हम लोग अभी होके आए हैं और दर्शन भी कराए हैं। ये देखिए इस मंदिर में हम लोग हो आए हैं और दर्शन हो चुके हैं मंदिर में, और हम लोग मंदिर जा रहे हैं झांकी की तरफ। अब झांकियों की तरफ जाएंगे धीरे धीरे, भाई घूमेंगे, घूमने तो आए हैं, बहुत बड़ा प्रांगण है। अभी इधर से हम लोग आए हैं, इधर से आए हैं और इधर से फिर वापस जाएंगे, तो घूम के आएंगे। तो यहाँ बिल्कुल स्वर्ग की अनुभूति होती है भैया, हम लोगों ने तो अपने जीवन में पहली बार ऐसा स्थान देखा है जहाँ की स्वर्ग की अनुभूति। और यहाँ पब्लिक और भीड़ की बात मत करिए, देखिए कितनी भीड़, देखिए ये सब चले आ रहे हैं, पब्लिक जितनी है सब चले आ रहे हैं, देखिए। तो अभी यहाँ पर इतनी पब्लिक है कि पब्लिक बहुत ज़्यादा है, और अभी घूम के हमने आपको चारों तरफ दिखाया है। और आ रचित इधर आओ, रचित की मम्मी मोबाइल पकड़े भैया बना रहे हैं, और देखो हम रचित साथ में हैं, और इधर इतनी पब्लिक आ रही है कि देख सकते हो आप लोग कितनी भीड़ है। दिखाओ पूरा, कितनी भीड़ है ना यहाँ पर, अभी लोग आ ही रहे हैं, मुझे लगता है एकदम बहुत सारे लोग आ रहे हैं। देखो अब हम लोग जा रहे हैं झांकी की तरफ, ये देखो कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे फूल, देखो लगे इतने बढ़िया फर्स्ट क्लास जगह है कि बिल्कुल फूलों की सुंदरता आप देखिए कितने अच्छे हैं। और यहाँ बिल्कुल अच्छे अच्छे फूल हैं, मतलब बहुत अच्छा है बिल्कुल। इधर दिखाओ, ये देखो पूरा मंदिर का प्रांगण बना है, ये पूरा मंदिर का प्रांगण बना है, और इधर ये झांकियाँ बनी है फूल है, और पब्लिक बहुत है, भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। देखो जगह जगह ना पेड़ लगे हैं फूल के। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आप कहीं पूरे प्रांगण में जहाँ भी जाओगे वहाँ राधे राधे की ध्वनि सुना देगी, और साउंड जो है बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों को तो भाई बहुत मजा आ रहा है, हम लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है दर्शन करते हैं। अभी बहुत बाकी है इधर देखो, अभी बहुत बाकी है, और अभी थोड़े बहुत घूमे, अभी तो बहुत बाकी है। अभी झांकियाँ तो हमने दिखाई नहीं, बोलो तुम भी झांकियाँ हैं अभी बाकी? हाँ अभी झांकियाँ उधर है, रात में ना लाइट जलेगी, अभी दिन है लगभग 4-5 बजे, और बहुत मजा आ रहा है, लेकिन अभी धूप बहुत तेज है। ये देखो यहाँ पर जो है झांकी बनी है, बहुत अच्छी झांकी है, और पूरी अच्छी से झांकी देखो, रात में जो है
अच्छी दिखाई देगी। देखो कितनी बढ़िया, ऐसा लग रहा था सही की है, अपन मूड हटाओ थोड़ा सही है, ऐसा लग रहा जैसे बिल्कुल सही के छाए हैं ना। फुल फोटो की जो फुल नीचे से ये देखो पानी डाल रहे हैं पेड़न में ही है, यहाँ की खूबसूरती आप लोग देख सकते हो। ऐसा लग रहा जैसे मोर बिल्कुल हाँ। सही के हैं, देखो आप लोगों को भी दिखा देते हैं, देखो और गैया देखो बनी हुई बिल्कुल जैसे सही की गई, जैसे एकदम सही की लग रही है। पूरा वीडियो शूट कर रहे हैं ये रचित की मम्मी है, देखो सब देख रही है, देखो रचित की मम्मी देख रही है। अच्छा लग रहा है कि नहीं, कैसा लग रहा है? जैसे एकदम पूरा जन्नत है। ये देखो मोर है और ये गाय है, देखो कितना अच्छा खूबसूरती, देखो कितनी अच्छी ये खूबसूरती है यहाँ। ये देखो उधर, देखो कृष्ण भगवान नाचते हुए बना है, अभी चल रहे हैं इधर आए। ये देखो गैया है और ये देखो रचित देख रहे हैं, रचित इधर देखो, ये देखो रचित, यानी कि रचित आज घूम रहे हैं भाई। रचित मजा आ रहा है? हाँ रचित को मजा आ रहा है, इधर आओ। कितनी और सबसे बड़ी बात है कि पूरे प्रांगण में राधे राधे बोल रहे हैं। और आपको साउंड बताएं कहाँ है, ये देखो यहाँ बोल रहा है, ये देखो एक ये बना है, इसके अंदर साउंड रखा है, इसके अंदर ये देखो यहाँ पूरे पेड़ों के अंदर साउंड रखे हैं और कहीं नहीं दिखाई नहीं देखे, पूरे प्रांगण में है। और ये देखो रचित, रचित के मम्मी फुल एंजॉय ले रहे हैं, इधर देखो ये लोग भैया घूम रहे हैं और हम भी घूम रहे हैं, लेकिन हम मजबूरी है सामने नहीं आ सकते क्योंकि मोबाइल पकड़ना पड़ता है ना, ये समस्या है। यहाँ इतनी खूबसूरती है, ये देखो ये आप लोग देख लोगे तो आने का जरूर मन करेगा। ये देखो कितना अच्छा है, ये सब ओरिजिनल फूल है, ये ओरिजिनल फूल है सारे, जितना है सब ओरिजिनल है। हटो रचित इधर, इसको और आगे दिखाते हैं, वो देखो राधे लिखा कितना अच्छा, आओ आगे दिखाएं। ये देखो राधे लिखा, ये देखो ये राधे लिखा, ये देखो ये राधे लिखा है। और देखो छोटे छोटे हिरन है, ऐसा लग रहा है जैसे सही के हिरन है ना, मोर भी छोटा है, देखो मोर और हिरन बिल्कुल सही के हैं, लग रहा है जैसे सही के हिरन है। और ये देखो मोर ये देखो रचित, रचित के पापा खड़े हैं, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ का नजारा, रचित रचित के पापा आगे जा रहे हैं, एकदम मजा ले रहे हैं सब लोग। यहाँ की सुंदरता इतनी है कि यहाँ इतनी झांकियाँ बनी हैं, देखो कितनी सुंदर सुंदर मूर्ति है, इस तरफ से लेकर के उस तरफ तक एक तरफ झांकियाँ बनी हैं। क्या क्या बोलूं, कहने के तो शब्द ही नहीं बचे हैं, अब इस तरह का बना हुआ शायद यहाँ पे खूबसूरती आप लोग देख सकते हो। ये राम सीवते केवट जी हैं, जब नदी पार करा रहे थे, ये सब रात में झांकियाँ जो है हाँ। लाइटिंग होती है, लाइट चलती है रात में, बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर राधा कृष्ण गोपियाँ हैं, देखो जहाँ पर बरसाने के सीन है, ये बरसाने की सीन है, जैसे रंग खेलते हैं होली में। अरे सारे पेड़ ना ओरिजिनल हैं, यहाँ पर ना लाइटें लगी रात में तो खूबसूरत लगती है।
ये कृपालु महाराज है जिनके द्वारा मंदिर की स्थापना की गई है। भगवान की मूर्ति है और सबसे बड़ी बात देखो देखो गैया है और बछड़ा है, और ये देखो गैया और बछड़ा है, ये बिल्कुल दूध पी रहा है, लग रहा है बिल्कुल सही है। देखो यहाँ की सुंदरता आप देखिए, पहले वो देखो उधर गैया है और बछड़ा है, लग रहा है जैसे दूध पी रहा है ना, कितना अच्छा है। देखो ये देखो देखो गैया बैठी हुई है, कितनी प्यारी, पर जैसा लगता है एकदम ओरिजिनल गैया है, लेकिन पत्थर की बनी हुई है। तो तुम लोग साथ साथ आइए, देखो अब दिखाओ, ये देखो रजित की मम्मी दिखा रहे हैं सब चीज, ये देखो और ये गैया बनी है, ये देखो गैया बनी है, और ये देखो यहाँ पर सजावट है कितनी अच्छी है। देखो रचित हैं, रचित की मम्मी है, आराम से घूम रहे हैं। देखो ये कृपाल वंदे जगत गुरु लिखा है, श्री धाम लिखा है, हाँ श्री धाम, देखो कलर से लिखा है श्री धाम, भक्ति धाम है, भक्ति धाम लिखा है, हाँ भक्ति धाम, कृपाल वंदे जगत गुरु भक्ति धाम है, कलर से लिखा है भक्ति धाम। आओ रचित इधर, यहाँ झांकियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि पूछो ना। और सबसे बड़ी बात है यहाँ धूम्रपान निषेध है, और आप कोई भी नशा नहीं कर सकते हैं ना थूक सकते हैं, बिल्कुल सफाई है, बहुत सफाई है। देखो गैया बैठी, ऐसा लग रहा है जैसे सही की गैया है, वीडियो में आप लोग देखिए बिल्कुल सच की गाय लग रही है, लेकिन ये पत्थर की मूर्त है, लेकिन बनावट देखो कितनी अच्छी। इधर देखो दिखा दिया टोन, हाँ टोन हाँ, तो अभी झांकी ये जाम है, झांकी चलने का टाइम है 6 से 8 बजे तक। इधर बोर्ड लगा है, ये देखो ये बोर्ड लगा है, इसमें लिखा झांकी चलने का टाइम 6 से 8, ये देखो झांकी चलने का टाइम 6 से 8। तो अभी समय भैया हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, जो झांकियाँ लगी हैं, ये झांकियाँ रात में जो है चलती हैं लाइट से, यहाँ 6 बजे से 8 बजे तक का टाइम है 6 से 8। और यहाँ देखो ये देखो साउंड जगह जगह लगे, ये देखो साउंड है पूरे, इसमें राधे राधे सुनाई देता होगा आपको। अभी हम सब लोग कैंटीन में है, और कैंटीन में अभी समोसे का नाश्ता करेंगे, और ये देखो कैंटीन है बिल्कुल शुद्ध कैंटीन। तो ये देखो शाम का समय हो गया है ना, हम लोग शाम का रुके हुए हैं अभी, और ये देखो लाइटें सब जल चुकी हैं, देखो भक्ति मंदिर लिखा है, इसके नीचे लिखा राधे राधे। दोस्तों शाम का टाइम है, शाम हो गया है, अब देखो मंदिर कलर बदला है, देखो दिखाते हैं कैसे कैसे कलर बदला है, ये देखो किस कलर का मंदिर हो गया, ये रानी कलर है, ये देखो ये कलर बदल गया मंदिर का। और ये देखो अभी किस कलर के थे, और अब ये कलर हो गया, कलर बदल गया। ये तीसरा कलर है, क्या हुआ कलर बदल रहा, देखो पहले तीन कलर में हो गया, देखो हल्का सा हरा कलर में, अब देखो कौन सा कलर निकलता, सारे कलर बदल रहा मंदिर। पिंक कलर हो गया, रानी कलर है, हाँ बताओ, वीडियो बना है, हाँ ये देखो, नहीं मिनट के
ये देखो कितना अच्छा लग रहा मंदिर इस समय, कलर बदल रहा, कितना अच्छा लग रहा। यहाँ मंदिर रात में भैया कलर बदलता। तो मंदिर का कलर बदलने लगा है, तीन कलर में बदलता है, पहले पिंक रानी कलर है, उसके बाद हल्का हरा होता है, उसके बाद यहाँ का नजारा ना इतना खूबसूरत लग रहा है, क्या बताएं आप लोगों को। लोग झांकियों की तरफ चल रहे हैं और ये देखो मंदिर कलर बदल रहा है, ये देखिए, और ये जीना है, जीने से हम लोग उतरेंगे, ये देखो जीना। पंचामृत से महाअभिषेक किया तो ऐसा लग रहा था मानो यह पूरे भक्ति धाम का ही। बहुत जबरदस्त भीड़ है, ये देखो। अब ये देखो मंदिर दूर से देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, लाइटें कलर जो है लाइट बदलते हैं मंदिर, ये देखो। ये देखो अभी ये किस कलर का था, ये देखो किस कलर का हो गया, ये देखो कितना कलर बदल रहा है ना, देखो कितना प्यारा कलर हो गया मंदिर का। उधर देखो, वो देखो, रात की बात ही अलग है। रात में मंदिर कलर बदल रहे, देखो कितने अच्छे कलर बदल रहे। रचित रचित के पापा आगे आगे चल रहे हैं। एक बार हम वीडियो शूट कर चुके हैं, ये शाम तभी दिन था, अब रात का समय है, मैं रात को शूट कर रही हूँ। रात को बहुत अच्छा लगता है तो रात के लिए हम शूट कर रहे हैं, रात को बहुत अच्छा। उधर को दिखाओ कितना कलर बदला मंदिर, देखो कितना अच्छा मंदिर पूरा कलर बदल रहा है, रात के सीन है, रात के लिए बहुत अच्छा। देखो कितना अच्छा दृश्य है, ये गैया है, बिल्कुल लग रहा जैसे सही की गैया है, इतनी अच्छी गैया है, बिल्कुल सही गैया है, और लग रहा जैसे मतलब सही की गई, लेकिन ये पत्थर की पूरी गैया बनी है। और भगवान श्री कृष्ण भगवान देखो ये पर्वत उठाए हैं अपने उंगली में, कितनी अच्छी झांकी और कितनी अच्छी सुंदरता है। आप लोगों को जब भी मौका मिले आप लोग प्रतापगढ़ कुंड आइए और मनगढ़ में भक्ति धाम के दर्शन करिए। ये देखो लिखा है कृपाल वंदे जगत गुरु, और ये देखो कलर से लिखा है भक्ति धाम, ये भक्ति धाम है। और ये अभी हमने सारा वीडियो शूट किया था इसका, लेकिन अभी रात है ना तो लाइट के हिसाब से हमने शूट कर लिया है, जिससे कि रात में जो है लाइट कलर बदल देते तो अच्छा लगे। मैं कहाँ मालूम कहाँ, अब बताओ।
तो अब हम लोग चल रहे हैं मंदिर गेट के बाहर आ गए। ये देखो गेट का मंदिर है, गेट बना है। हम लोग अब बाहर से आ गए हैं, शाम को 7 बज गया है और अब चल रहे हैं भैया घर। अब घर चलने की तैयारी है तो हम लोग चलते हैं, गाड़ी वहाँ खड़ी है, अभी चल रहे हैं घर। चलो फिर।